दोस्तों यहां से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बेरोजगारी भत्ते के लिए, 2019 के लिए बेरोजगारी भत्ते की। यहाँ पर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा ऐलान है, बेरोजगारों को मिलेंगे अब हर महीने 2500 रुपए, 20 करोड़ लोगों को होगा इसमें फायदा। दोस्तों बेरोजगारी भत्ते की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो में हम आपको बेरोजगारी भत्ते के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या ये पूरी न्यूज हिंदी में आई है। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त को शुरू करते हैं इस वीडियो की पूरी जानकारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों बेरोजगारी भत्ता के लिए जो न्यूज आई है वो पूरी यहाँ पर आप देख सकते हो, हम आपको पूरी स्टेप वाइज दिखाएंगे। चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव, बेरोजगारों को मिल सकते हैं हर महीने 2500 रुपए। मोदी सरकार नए साल में बेरोजगारों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। केंद्र सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI स्कीम लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत देश के बेरोजगारों को प्रति माह 2000 से 2500 रुपए की निश्चित राशि दी जाएगी। साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार की योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है। सरकार पिछले 2 साल से एक योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री यदि इस योजना को हरी झंडी दे देते हैं तो नए साल में इसकी घोषणा हो सकती है। केंद्र की तरफ से इस योजना को लागू करने के पहले सभी मंत्रालयों से सुझाव मांगा गया था कि क्या इस योजना के दायरे में सिर्फ बेरोजगारी शामिल हो या किसान को भी इसमें जगह दी जाएगी। संभावना है कि सरकार योजना को लागू करने के संबंध में एक समिति का गठन कर सकती है। साथ ही साथ आप यहां पर डिटेल्स देख सकते हो, 20 करोड़ लोगों को होगा फायदा। इस योजना से 20 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। 2016 से 2017 के आर्थिक सर्वे में सरकार को इस स्कीम को लागू करने की सलाह दी गई थी। इस योजना के तहत हर नागरिक के खाते में उसकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना किसी नियम व शर्त के वह निश्चित राशि डाली जाती है। यूरोपीय देशों में लागू है यह योजना, UBI कई देशों में लागू है। फ्रांस सरकार बेरोजगारों को प्रति माह करीब 46,000 रुपए भत्ता देती है। जर्मनी में यह रकम करीब 390 यूरो प्रति माह यानी के 31,000 रुपए है। इटली में 1180 यूरो यानी के 90,000 रुपए भत्ता दिया जाता है। जापान में सबसे कम 153 पाउंड करीब 15,000 रुपए भत्ता दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। आप ये पूरी न्यूज पढ़ सकते हो, जिसको पढ़ने के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस पेज पर कर आप यहां से पूरी न्यूज पढ़ सकते हो। साथ ही साथ बेरोजगारी भत्ते के लिए यहां पर और भी डिटेल्स दी गई है, वो भी आप यहां से पूरी जानकारी रीड कर सकते हो। क्या है बेरोजगारी भत्ता उसके बारे में भी यहां पर जानकारी दी गई है। बेरोजगारी भत्ता के लिए क्या पात्रता है वो भी आप यहां से देख सकते हो। आप यहां पर पूरी जानकारी चेक कर सकते हो क्या इसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, 10 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, शपथ पत्र, आवेदक के पास वोटर कार्ड भी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश या फिर जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का ईमेल ID और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और IFSC कोड होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, यहाँ पर ये डिटेल्स UP के लिए दी गई है। इसी तरह आप सभी राज्य पर अप्लाई कर सकते हो, सभी राज्य की वेबसाइट्स अलग अलग है जो आप गूगल से चेक कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता की राशि कम से कम 1,000 रुपए है जो अब यहाँ पर डिटेल्स आई है। 2000 से 2500 रुपए यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर इंपोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है, यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। जब भी इसकी अप्लाई ऑनलाइन करने की डेट रिलीज होगी तो आप यहीं से अलग अलग स्टेट के लिए यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।